टीम को भी दर्शन का मौका देगा। नमस्ते दोस्तों, जय श्री केदार, जय केदार बाबा की। जैसे आपको पता हमने हाईवे पकड़ लिया है, हरिद्वार से सीधा हम निकल पड़ते हैं गौरीकुंड के लिए। तो सीधा अपनी धनों में जाएंगे और अंदर का व्यू भी एक बार देख लो, बस के अंदर का एकदम ताजा ताजा व्यू दिख रहा है। और भाई साहब मौसम तो एकदम गजब हो रखा है, सच्ची में बता रहा हूँ। मौसम की तो बात ही मत कर, भाई ट्रक बीच में आ गई, सॉरी भाई डिस्टर्बेंस के लिए, ट्रक बीच में आती रहती है। पर वो देखो बादले, इन बादलों में व्यू वाओ एकदम गजब है। तो वैसे हम ऋषिकेश पहुंचते हैं, हमको और एक दूसरा व्यू दिखने मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हरिद्वार से लेके गौरीकुंड तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन कुछ 750 का होने वाला है। और सुबह मतलब हमने पकड़े लिए लगभग 7 बजे की बस, जो ये व्यू हमको लास्ट में करीब 9 बजे या 10 बजे के आसपास ये व्यू दिख रहा है, देख लो भाई। ये तो 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर। तो दोस्तों व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग कहाँ पे रहने वाले, कहाँ पे हम लोगों को टेंट हाउस मिलेगा, कहाँ पे हम लोग ये चीज़ें खरीदने वाले, और वहाँ पे खाने की सुविधा क्या रहेगी, और ये मौसम की सुविधा क्या रहेगी। अरे भाई बस हटना है यहाँ से भाई, ये लो बीच में आके रुक गई, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इट्स ओके। जैसे हम लोग मतलब 750 की हमने बस तो ले ली थी, बीच में हमें भूख लगी तो उसका भी कुछ खर्चा 300 से 400 हो गया था, क्योंकि यहाँ की भाई मैगी बहुत महंगी है भाई। एक प्लेट का 100 रुपये लेते हैं और पानी की बोतल का तो समझ लो 50 से 60 रुपये आए। तो भाई अपना बजट प्लान उसी के हिसाब से करके आइए। मिनिमम बजट मतलब मैं लेके आया हूँ भाई 20,000। जैसे हमारा बजट ट्रिप भी था तो 20,000 लेके आया हूँ। कितना ट्रिप होगा मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा खर्चा मैं इसमें बताने वाला हूँ। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मज़ेदार व्लॉग आने वाला है भाई, आपको और वेट नहीं कराएगा। सॉरी दोस्तों, होटल का और इसका हम लोग व्लॉग नहीं किए, क्योंकि मैं सुबह बहुत ही लेट उठ गया था थकने के कारण। पर फिर भी हम लोग निकल गए थे गौरीकुंड से आगे रजिस्ट्रेशन करते, हमें मस्त नज़र दिखती है भाई, इसका नाम है पता नहीं मेरे को भी। तो दोस्तों जैसे हम गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं, हमको ये बहुत ही मस्त नज़ारा दिखता है। और वहाँ पे देखो साइड में आपको एक नदी दिखती रहेगी, वो ऊपर से आ रही है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया चीज़, जहाँ से हम लोग ऑनलाइन रजिस्टर ना करें तो ये सही है, वहाँ पे हम लोग खड़के भी कर सकते हैं एकदम, मतलब 10-15 मिनट का खड़ना स्टॉप रहेगा, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। और हम लोग ट्रैक के लिए बढ़ते हैं, जैसे हम लोग ट्रैक के लिए बढ़ते हैं ना, आपको मैं आगे दिखाता कितना प्रॉब्लम हो रहा था भाई साहब। सोचा था सिर्फ 12 किलोमीटर का ट्रैक है, आराम से चल लेके पीछे बोझ लेके, फिर ये तो भाई साहब 22 किलोमीटर का ट्रैक हो गया भाई। ठीक है कोई वांदा नहीं है इसमें भी, क्योंकि भाई थोड़ी ऊंच नीच तो होती रहती है चढ़ावे में, कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। पर पीछे का बैग जो बहुत ही हैवी था भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, रेनकोट पहन के है, बारिश बहुत है भाई साहब, हर 2 मिनट क्लाइमेट चेंज होते रहता है भाई, संभाल के रहना। लगभग 6 घंटे की ट्रैक पूरी करने के बाद भाई ये नज़ारा दिखता है, बोलो हर हर महादेव मेरे साथ गाइस। और कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव। यहाँ पे हम लोग टेंट की सुविधा देख रहे हैं, जहाँ पे भी हमको टेंट मिलता है ना वहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, टेंट जहाँ पे भी मिलेगा ना हम लोग लेके आपको बताता हूँ मैं बजट कितना पड़ा टेंट का और स्टे का गाइस। तो हमारा टेंट ये है और हमने ये टेंट ले लिया है। जैसे हमको टेंट का पड़ा कुछ 850 रुपीस, और हमारा जानकार वाले ये तो कोई टेंशन नहीं है, उसने मेरा कम किया क्योंकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था इसके लिए। भाई साहब ये वेदर कोई इसको संभालो भाई, दिल खुश कर लेता है ये वेदर। बैग वगैरह सब लोग हमने रख लिए थे, फिर हम निकल पड़ते, मतलब दो किलोमीटर का ट्रैक है, फिर हमारे मिल लेंगे अपने केदार बाबा से। जय श्री केदार, जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय।
तो भाई साहब भीड़ देख रहे हो, मैं ना कम से कम 4 घंटे दर्शन करने के लिए खड़ा हूँ भाई, अब तक मेरी टाइम नहीं है। मतलब देखो कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। बोलो हर हर महादेव, जय श्री केदार। यार बहुत भीड़ है यार, बाबा जल्दी बुला लो आपके पास। दर्शन तो कर लिए, फिर हम थोड़े खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं हम लोग, जैसे कुछ मिलता है तो मजा आ जाएगा। अब होगा ये व्यू देख रहे हो, जावा दी अलग ही है ना व्यू। बोलो हर महादेव, जय श्री केदार। दर्शन तो ले लिए, अगर वीआईपी एंट्री करनी है तो उसके भी मैं आपको बजट बताता हूँ, और आपको नॉर्मल लाइन में खड़ना तो 4 घंटे पक्का खड़ना पड़ेगा। भाई साहब हम लोग वहाँ पे कोई वांदा नहीं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ले सकते, बस अंदर जाने के बाद हम लोग कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी पाबंदी रखी है भाई। बाहर से हम लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो गाइस, तो थोड़ा सा आनंद ले लो, आप भी दर्शन ले लो मेरे ब्लॉग को देख के। क्या पता जिसको भाई बुलावा नहीं आया तो वो यहाँ से दर्शन ले सकता है मेरे ब्लॉग के द्वारा। फिर दोस्तों हम निकल पड़ते हैं अपने दूसरी ट्रैक के और, क्योंकि हमको घर भी जाना है भाई, बेंगलोर वापस। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और एंड तक देखो गाइस, मैं आपको अपना पूरा बजट प्लान बताता हूँ वहाँ पे, रहने का, खाने का, पीने का, मजा करने का, सब कुछ पूरा अपना भाई बताएगा, आप टेंशन नहीं लेने का। और ये व्यू भी आनंद लेते रहो और मजे करते रहो, क्योंकि यही चीज़ हमारे साथ, हम मरते दम तक, सॉरी जब तक जिंदा है तब तक हम लोग ले चलेंगे, मरने के बाद कुछ नहीं ले चलेंगे। तो दोस्तों पूरा खर्चा हमारा हो गया लगभग कुछ अब तक 10,000 या 11,000 के आसपास हो गया मतलब, और यहाँ से वापस जाने का कुछ हमारे पास से कुछ 3,000 बाकी है। तो मैं अपने अंदाज से बोल सकता हूँ आपका लगभग खर्चा 15,000 का हो जाएगा, क्योंकि खाने का, पीने का, सभी रहने का, ठिकाने का, सब कुछ मिला के कुछ समझ लो 15,000 का खर्चा। ट्रैक में तो हालत खराब हो गई थी भाई हमारी। अब हुआ है, मन्ने लाग तो जावा दी महादेव जी करे टाइम। अब हुआ है, मन्ने लाग तो जावा दी महादेव जी करे टाइम।